हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे दिन बहुत सी तैयारियाँ की लड्डू गोपाल के लिए और रात को केक काटा, अच्छे से जन्माष्टमी का पर्व मनाया। साकू ने भी पूरे दिन बहुत सी तैयारियाँ करवाई मेरे साथ और रात को 12 बजे तक जगे और लड्डू गोपाल को केक खिलाए। बहुत खुश था, बहुत मस्ती की। करती हूँ कि आप सभी ने भी जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से मनाया होगा। आपको लड्डू गोपाल का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और हमारी श्री जी का भी आशीर्वाद आपको सभी को ऐसे ही मिलता रहे, आपकी जीवन में खुशहाली रहे। बहुत ही तैयारियां की सुबह से लड्डू गोपाल के लिए। सबसे पहले हमने जो घर के बचे हुए सामान से झूला तैयार किया। मेरे पास एक पहले की लड्डू गोपाल की टोकरी थी, उसको मैंने लिया और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखकर उसका शेप में उसको काट लिया। काटने के बाद उसको एक कपड़े से कवर कर दिया। पहले लगाया उस पे ग्लू और ग्लू के बाद उसको धीरे धीरे चारों तरफ से चिपका दिया। जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। इसके लिए बच्चे भी बहुत सी तैयारियां करवा देते हैं हमारी, उनको भी बहुत ही आनंद आता है। जैसे जैसे हमारी तैयारियां शुरू हुई, हमारे सभी ने अपना अपना काम बांट लिया। कोई कुछ कर रहा था और कोई कुछ कर रहा था। तो सबसे पहले हमने झूला तैयार किया सुबह सुबह। कपड़ा लगाने के बाद मेरे लिए एक पतली लैस, उसको मैंने ऊपर साइड लगाया और फिर एक चौड़ी लैस लेकर उसको इसके नीचे की तरफ चारों तरफ ऐसे ही लगा दिया, ग्लू से चिपका दिया इसको। और इतना अच्छा झूला बनकर तैयार हुआ था कि सभी को बहुत पसंद आया था। घर की हम जो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम अच्छा सा झूला तैयार कर सकते हैं और हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बीच वाले स्टिक्स को मैंने बीच से कट करके और उसके ऊपर ग्लू लगा के उसके ऊपर भी एक लेस लगा दी ताकि यह सुंदर लगे। और फिर एक अच्छी सी बढ़िया सी गद्दी तैयार की जिसको आप ऊपर हमने लड्डू गोपाल को बैठाना था। हमने लड्डू गोपाल को भोग लगाने की तैयारी, उसके लिए मैंने बनाई मखाना की खीर। सबसे पहले लिया मैंने 1 गिलास दूध और उसमें उबाल आने के बाद उसमें डाल गुड़ और उसको अच्छे से मिला दिया। अच्छा से उबाल आने तक हम इसको हिलाते रहेंगे। फिर इसमें डाले हमने 1 कटोरी मखाने और फिर से मिला दिया इसको। फिर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले मैंने और थोड़ा सा कोकोनट का बुरादा इसमें डालकर मैंने अच्छे से इसको मिलाया। शायद वो मेरी वीडियो डिलीट हो गई और हमारी खीर बनकर तैयार है। फिर हमने ठंडा करके इसको लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। फिर हमने रात के प्रसाद के लिए तैयारी की, तो उसके लिए मैंने सूजी के लड्डू बनाए। सबसे पहले मैंने सूजी को थोड़ा सा भूना, थोड़ा फिर उसमें डाला दूध और दूध डालकर अच्छे से मिला लिया। फिर इसमें थोड़ा फूड कलर और चीनी डालकर फिर से मिला लिया। फूड कलर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आया है इसका। धीरे धीरे करके ऐसे ही मिलाते रहेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा घी डालकर फिर से चलाएंगे। जिसमें मैंने डाला है अब थोड़ा सा मिल्क पाउडर और थोड़ा सा डालूंगी इसमें कोकोनट का पाउडर और अच्छे से मिला लूंगी इनको सभी को। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। आप भी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए लड्डू बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा नारियल का बुरादा पिसा हुआ मैंने डाल दिया है और इसको मिलाकर और मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। फिर
फिर मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया ताकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं लड्डू बना सकूं। ऐसा नारियल का बुरादा मैंने प्लेट में डाल लिया है ताकि लड्डू बनाने के बाद उनको ऊपर से कवर कर सकूं। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अच्छे से लड्डू बनाना शुरू कर दिया है और हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इनको फिर मैं कोकोनट पाउडर से कोट करके एक साइड में रख दूंगी और ऐसे ही सभी लड्डुओं को मैं तैयार कर लूंगी। और रात का प्रसाद हमने बना लिया है, अब करेंगे हम शाम के भोजन की तैयारी लड्डू गोपाल के लिए। ये छोटा सा मेरा गार्डन है। शाम के टाइम मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी पर आई नहीं, फिर भी मौसम बहुत ही अच्छा रहा। मैंने इन्हीं चंपा के फूलों से लड्डू गोपाल के झूले के लिए मालाएं बनाई, इनमें बहुत ही सुंदर महक आती है। और एक बेल ये है मेरी जिसका नाम मुझे पता नहीं है। रात के खाने में लड्डू गोपाल के लिए हमने हलवा, खीर और सब्जी और पूड़ी का भोग लगाया। लड्डू जी को भोग लगाने के बाद हम करेंगे रात के सेलिब्रेशन की तैयारियां। भी हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही अच्छा गया, आपका कैसा गया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बज गए हैं 12 और लड्डू गोपाल को हमने पंचामृत से स्नान करवाया और उसको झूला झुलाया और फिर केक कटिंग की और हमने चांद को अर्घ दिया और फिर हमने खाना खाया। पर हमारा लड्डू गोपाल का सेलिब्रेशन पूरा हुआ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, टेक केयर।